सरदार शहर विकास मंच के धरने को मिला कई सामाजिक संगठनों का समर्थन। भ्रष्टाचार के विरोध में विकास मंच का धरना पांचवें दिन भी जारी। सरदार शहर के गांधी चौक में चल रहे सरदार शहर विकास मंच का धरना शनिवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान संगठन के मुखिया राजेंद्र राज पुरोहित पांचवें दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। वहीं धरने पर शनिवार को सरदार शहर पंचायत समिति की प्रधान निर्मल राज पुरोहित, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह छाजूसर, जिला परिषद सदस्य एडवोकेट शोकारण पोटलिया सहित अनेकों जनप्रतिनिधियों में सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर प्रधान निर्मल राज पुरोहित ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे बड़े भाई साहब पिछले पांच दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को हम अपना समर्थन करते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह छाजूसर ने कहा कि समय समय पर भ्रष्टाचार के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र राज पुरोहित अपने संगठन के माध्यम से आंदोलन करके भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। आज हम हमारा समर्थन विकास मंच व राजेंद्र राज पुरोहित को देते हैं। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य शोकारण पोटोलिया ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के विरोध में राजेंद्र राज पुरोहित द्वारा दिए जा रहे धरने का हम समर्थन करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ेंगे। वहीं इस दौरान गांधी चौक पर एडवोकेट राजेंद्र राज पुरोहित द्वारा तहसील कार्यालय के पंजीयन विभाग में भ्रष्टाचार के विरोध में किए जा रहे आमरण अनशन पर बड़ी संख्या में विकास मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय के पंजीयन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राज पुरोहित ने बताया कि मेरा आमरण अनशन 5 से भी जारी है। राज पुरोहित ने बताया कि तहसील कार्यालय में स्थित पंजीयन विभाग में पट्टों व अन्य कामों को लेकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ पर काम के एवज में रुपए मांगे जा रहे हैं एवं सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वहीं नायब तहसीलदार रमेश चंद्र का विधानसभा चुनाव से पहले स्थानांतरण हो गया था, लेकिन वह भी यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए है। नई सरकार के गठन को 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उनको यहाँ से नहीं हटाया गया है। और पंजीयन विभाग में संदीप भोजक द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भोजक द्वारा पहले भी रुपए लेकर पट्टे दिए थे, हमारे विरोध के बाद उनको रुपए वापस दिए गए थे। अब हमारी मांग है कि नायब तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए, पंजीयन विभाग में संदीप भोजक को निलंबित किया जाए। अगर हमारी मांग प्रशासन द्वारा नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं धरना स्थल पर बड़ी संख्या में शनिवार को महिलाएं भी मौजूद रही। कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भाई साहब 5 दिनों से इस धरने पर बैठे हुए हैं। 5 दिनों से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं इनका समर्थन करती हूँ भाई साहब का। क्या मांग की जा रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ। सर, आप भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं और अभी राजेंद्र जी राज पुरोहित अनशन पर बैठे हुए, आज 5 दिनों के बाद आपने समर्थन दिया, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, राजेंद्र जी ने जब जब सरदार सर में भ्रष्टाचार फैला है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और इनकी जीत हुई है, भ्रष्टाचारियों को सरदार सर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। निश्चित रूप से राजेंद्र राठौड़ साहब से हम बराबर संपर्क में, राठौड़ साहब का सुबह ही फ़ोन है कि अति शीघ्र ही जिन लोगों ने सरदार सर में तानाशाही कर रखी है, काफ़ी समय से जिनका तांडव है, लोगों को ठगने का काम किया है और भ्रष्टाचार को एक मुहिम पे चल रहे हैं, उनको शीघ्र ही यहाँ सरदार सर से निकाला जाएगा और राजेंद्र वकील साहब की जीत होगी और भविष्य में कभी भ्रष्टाचार नहीं पनपे, ऐसी व्यवस्था राजेंद्र जी राजपुरोहित करेंगे सरदार सर में। आज आपने अनशन को 5वां दिन हो गया और आपने समर्थन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बार के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र जी राजपुरोहित द्वारा तहसील कार्यालय में जो वर्तमान में आम जनता के साथ जो भ्रष्टाचार को लेकर जो ये आज आमरण अनशन चल रहा है, हम सब, मैं भी जिला परिषद सदस्य हूँ, हम सब लोग इस धरने को आज समर्थन जनहित के मामले में हम सब आज धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं और जरूरत पड़ी तो आगे भी हमारे सभी पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य भी और भी धरने को समर्थन, आगे धरने को और तेज़ किया जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि जनहित मुद्दे को देखते हुए प्रशासन को जल्दी से जल्दी से इस मुद्दे को समाधान की और हमारे ऊंचा जो अधिकारी है, SDM साहब है, कलेक्टर साहब है, सभी इस मुद्दे की तरफ ध्यान दें ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। क्या बार राजेंद्र जी राजपुरोहित के साथ? हाँ, बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और जनप्रतिनिधियों ने भी
पंचायत समिति से जिला परिषद से सभी ने इनका समर्थन दिया और जरूरत पड़ी तो और भी भारी समर्थन इनको मिलेगा।